Hello, my dear 9th class students. We have finished with the explanation of the first chapter of history. First chapter of history, the Harappan civilization. And now we are doing the chapter end questions. जिसमें कि MCQs भी हैं, 2 marks के जो आते हैं वो भी हैं और डिटेल वाले पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस भी हैं. तो इनको थोड़ा थोड़ा करेंगे. अच्छा, उससे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उससे पहले एक चीज़ है. मैंने एक पोल डाला था चैनल पे, जस्ट आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन, क्योंकि मैंने कई बार पूछा, स्टूडेंट्स ने ऐसे कुछ कमेंट्स में मुझे रिप्लाई नहीं दिया. सो आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड कि नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स. सिविक्स थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को. तो वो चैप्टर आप कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहते हैं, मतलब 1 चैप्टर का 1 फुल वीडियो, या फिर जैसे मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर बनाया कि छोटे छोटे वीडियोस बनाए, 2 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट्स, उस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है, तो वो मैंने पोल डाला हुआ है चैनल पे. सो प्लीज़ डू टेक अ लुक एट इट एंड डू लेट मी नो योर सजेशन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि उससे आपके लिए भी बेनिफिट है और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि कैसे मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी MCQs. MCQs आपको पता है कि आपका जो नया पेपर पैटर्न है उसमें पार्ट 1 में सेक्शन ए में कंपलसरी क्वेश्चन होता है MCQs का, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, सिविक्स के भी आते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी स्पेसिफाइड बिटवीन. देखो, मच्योर फेज पूछा है यहाँ पे, 2-3 चीज़ें हैं मच्योर फेज का. जो अब देखो, जो पहला वाला ऑप्शन है 2500 BC टू 1750 BC, ये क्या था, जो कि कार्बन रेडियो डेटिंग, जो रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग जो की है ना, उससे जो हमें डेट्स पता चली हैं वो ये वाली डेट्स हैं. कार्बन डेटिंग के थ्रू जो हमें डेट्स मिली 2500 BC टू 1750 BC. उसके अलावा ये जो वाला है 2200 टू 2000 BCE, दिस इज़ दी योर, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है. मच्योर फेज इसी को बोलते हैं, 2200 टू 2000 BC के बीच का. और ये जो 3250 BC है, 2750 BC, यहाँ से लेके जो फेज था, ये जो एक्सकेवेट, जब ये एक्सकेवेशन हुई थी हड़प्पा की, सबसे पहले हड़प्पा वॉज फाउंड आउट, तो उस समय जो वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बोला था कि ये अज्यूम किया था कि इस पीरियड का ये सिविलाइजेशन है. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी. चूज द रॉन्ग पेयर. लोथल गुजरात में है, चौनोदारो सिंध में है, कालीबंगन उत्तर प्रदेश में नहीं है. कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है. तो इसका मतलब हमारा जो रॉन्ग पेयर है वो कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, वो सही है. नेक्स्ट, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड. अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ डिस्कवरी हो रही है ना, चाहे ग्रेट बाथ हो, चाहे सिटेडल हो, चाहे ग्रेनरीज हो, चाहे ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये सारी जो डिस्कवरीज है ना, ये सब जो है कहाँ हुई थी, मोहनजोदाड़ो में. तो आँख बंद करके आप ऐसी चीज़ों में मोहनजोदाड़ो टिक कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर हुई थी सारी बिल्डिंग्स ये, फिर कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो हड़प्पा में भी डिस्कवर हुई थी, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर हुई थी मोहनजोदाड़ो में. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाफट आँख बंद करके मोहनजोदाड़ो टिक कर दो, ठीक है. तो वेयर वॉज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन लोथन. तो मोहनजोदाड़ो इज द करेक्ट ऑप्शन. द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम अगेन मोहनजोदाड़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सील ऑफ पशुपति इज इनकरेक्ट. अब यहाँ पे ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इनकरेक्ट बोला है कि करेक्ट बोला है. पशुपति की सील का आपको ध्यान है क्या था, कि योगिक पोस्चर में शिव जी बैठे हैं, ऊपर त्रिशूल है, सराउंडेड बाय एनिमल्स, एंड इट हैज़ गॉट 3 फेसेस, एंड इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदाड़ो. तो अब कौन सा इनकरेक्ट है देखते हैं. इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो सही है, इट इज़ सराउंडेड बाय एनिमल्स सही है, इट हैज़ 4 फेसेस ये रॉन्ग है, दिस इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज इट डजेंट हैव 4 फेसेस, इट हैज़ 3 फेसेस, शिव जी के जो वो है ना वो है. इट इज सीटेड इन अ योगी पोस्चर सही है. नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग वॉज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड. किसकी वर्शिप नहीं होती थी, किसकी वर्शिप होती थी वो दिमाग में एक बार रिवाइज कर लो आप लोग, कि मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, भगवान पशुपति की, शिवा पशुपति की वर्शिप करते थे, एनिमल्स को वर्शिप करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे, पीपल के पेड़ को वर्शिप करते थे, पीपल ट्री वॉज वर्शिप्ड. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी की वर्शिप नहीं होती थी, पीपल ट्री वॉज वर्शिप्ड, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा वॉज नॉट वर्शिप्ड, सो दिस वुड बी करेक्ट ऑप्शन. मदर गॉडेस एंड पशुपति वर डेफिनेटली वर्शिप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड.
Harappans had trade links with Sumer, Egyptian civilization, both of these, yes, they had trade links with both of these. तो both of these आपका option correct हो जाएगा. आप देख रहे हो ना, easy है. अगर आपने chapter ढंग से पढ़ा तो फटाफट आपके MCQs होते जाएंगे. Where was the great granary discovered again? कहाँ discover हुई? मोहनजोदाड़ो में. ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है. अ डॉकयार्ड वॉज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट. अब ये डॉकयार्ड की बात करें, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो टिक मत करना. एक ही डॉकयार्ड मिला है जो कि मेन है, बाकी और छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं हम. यहाँ पे जो मेन डॉक मिला है, डॉकयार्ड मिला है, वो कहाँ मिला है? लोथल में, गुजरात में. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर दीजिए लोथल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रॉबेबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, इसका प्रॉबेबल रीजन क्या था? फ्लड्स थे, कलामिटीज़ थी, डिजीजेस थी, फॉरेन इन्वेजन था. हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो आप उसमें से कोई भी जो आपको दिखे वो टिक कर देना. अब हम ऑप्शन देखते हैं. डिस्ट्रक्शन बाय आर्यंस था, फ्लड्स थे, एपिडेमिक्स थी, तो ऑल ऑफ दीज वर द प्रॉबेबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. Who was Sir John Marshall? Sir John Marshall was an archaeologist जिन्होंने कि वो जो सबसे पहले क्वेश्चन में था ना कि ये वाली एरा प्रिडिक्ट की थी कि ये जो थे ये डेट्स थी इस सिविलाइजेशन के फ्लरिश होने की टाइम ड्यूरेशन. सो ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट. आर्किटेक्ट नहीं थे, एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, तो ऑल ऑफ दीज मत टिक करना. विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन कल्चर? ओके, हड़प्पन साइट्स आर स्कैटर्ड इन पंजाब बलूचिस्तान. सही है. इट एक्सटेंडेड टू द वैलीज ऑफ नर्मदा एंड कृष्णा इन द साउथ. नर्मदा तक तो ठीक है, कृष्णा में तो नहीं थे भाई, साउथ में थोड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पन साइट्स वहाँ नहीं मिली हैं. तो कौन सा वाला करेक्ट है? सिर्फ वन करेक्ट है हमारा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है, जहाँ पे कि ओनली वन है, दैट वुड बी योर राइट आंसर. Which was the chief city of Indus Valley Civilization? It was Harappa. Harappa को हम मानते हैं कि it was the capital city of the Harappa, the Indus Valley Civilization. Which pattern was followed by Indus cities? Indus cities का pattern कैसा था? Grid pattern पे बनी हुई थी, grids थी, जो उनकी streets थी, they were एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. वो पूरी सिटी को ग्रिड्स में डिवाइड करती थी, उसी तरीके से हाउसेस थी लेन्स में, हाउसेस बने हुए थे लेन्स में, एंड द स्ट्रीट्स वर राउंडेड एट द कॉर्नर. तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? ग्रिड पैटर्न. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट सील्स? नो सॉरी, नॉट फॉल्स अबाउट सील्स. नॉट फॉल्स का मतलब कि विच इज़ करेक्ट. ठीक है, नॉट फॉल्स का मतलब हो गया कि करेक्ट है. Seals are made of materials like faience and ivory. ये तो सही था. An idea of dress, ornament, etc. can be derived from figures on seals. ये भी सही है. They reveal artistic skill of artists. That is also true. More than 10,000 seals were found. ये वाली statement जो है false है, क्योंकि 10,000 नहीं, कितनी seals मिली हैं? Around 2,000. More than 2,000 seals have been found. So, not false. मतलब true है. तो 1, 2, 3 true हैं. तो 1, 2, 3 कौन से option में है? ये आपका जो B option है वो सही होगा. Only 1, 2, 3 are not false. That means they are true. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को. डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट मदर गॉडेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मदर गॉडेस का क्या क्या ट्रू है? ओके, द वर्शिप ऑफ डिवाइन मदर वॉज वेरी कॉमन. ट्रू, शी इज स्टैंडिंग इन बाइफरकेटेड ब्रांचेज ऑफ नीम ट्री. नीम नहीं, पीपल के पेड़ पे थी, है ना. शी वॉज ए स्टैचू वॉज फाउंड वे शी वॉज स्टैंडिंग इन बाइफरकेटेड ब्रांचेज ऑफ पीपल ट्री. वो जैसे अजय देवगन दो बाइक्स पे पैर रख के खड़ा होता है ना, दैट टाइप. ऑयल वॉज बर्न बिफोर द फीमेल डीटी. ये तो सही है. तो अब ये देखें हमारा कौन सा सही है. 1 and 3 सही है. 1 and 3 फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया. विच बर्ड वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेट बर्ड? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है. डव. Which of the importations from Sumer were discovered in Indus Valley? Importations नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से होगा कि imported goods. Importations की जगह imported goods होगा ये. Sumer से क्या क्या imported goods discover हुए Indus Valley में, जैसे हमें पता चलता है कि they had trade relations with Sumer and Mesopotamia. तो soapstone vessel मिली है, Edze मिला है, model ram मिला है, all of these सारी चीज़ें मिली हैं ये हमें. Which of the following was responsible for the destruction of Harappan civilization? Earthquakes, floods, climatic change, or people died due to diseases. All these factors have they are considered as a probable reason for the destruction of the Indus Valley civilization. कोई भी एक particular reason के लिए हम sure नहीं हैं.
सो ऑल दीज रीजंस काउंट. सो 1, 2, 3 एंड 4 ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है. सो दीज वर MCQs जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मुझे मिलेंगे कहीं तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी. ये आपके आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है. अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि वो 2 मार्क्स वाले आते हैं ना, जो कंपलसरी से पार्ट ए में आते हैं, सेक्शन 1 में आते हैं आपके कंपलसरी क्वेश्चन जो है. सेकंड क्वेश्चन जो होता है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो वाला सेक्शन अब हम करेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में. एंड डू लेट मी नो, वो पोल वाली बात जो मैंने आपको बोली उसको ज़रूर ट्राई ऑन करिएगा. एंड डू लेट मी नो हाउ इज़ इट हेल्पफुल एंड विच चैप्टर टू टीच. मैंने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डिसाइड किया, ओके, बाकी आप मुझे बताइएगा. ओके, टेक केयर.